हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आप जनरली समझ सकते हैं एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अक्रिंग प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग बायोमोलिक्यूल्स विच फॉर्म जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इससे ही जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए आरएनए ये जो है फॉर्म होते हैं। न्यूक्लिक एसिड से ही जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए ये फॉर्म होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कैरी रहता है। ठीक है, जो एक इंसान होता है, ठीक है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो लंबा है, वो छोटा है, उसका बाल इस कलर का है, वो उसकी स्किन टोन कौन से कलर का है, वो सभी जो है क्या होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको कैरी करने का काम न्यूक्लिक एसिड करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड आर मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जो है न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंस इट इज फाउंड इन द न्यूक्लिक न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। ठीक है, सेल जैसे जो भी हमारा सेल है, ठीक है, उसके सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाई होते हैं, उसी में ये डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता है, तो इसके कारण यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड जो है इस न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं, इसके कारण द सेल एंड एसिडिक इन नेचर, हेंस इट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो होगा ये न्यूक्लिक में ये जो है न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, और एसिडिक नेचर के होते हैं इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये सेल्स के न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम टाइप की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम अगले वीडियो में डिटेल में एक एक करके समझेंगे। आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जिससे न्यूक्लिक एसिड बना होता है। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट होता है क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स मिलकर जो है न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज ऑफ 3 यूनिट। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 जो है यूनिट होता है, पहला है पेंटोज सुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं ये। सो पहला है पेंटोज सुगर। तो पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट 4 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें मोनोसैकेराइड्स जो है फिर से उसको हमने क्लासिफाई किया था नंबर ऑफ कार्बन आइटम के आधार पर। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम के आधार पर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो है ट्राइओस, टेट्रोस ये सब, तो उसमें से ही जो है एक है हमारा पेंटोज सुगर। तो पेंटोज सुगर क्या है, एक मोनोसैकेराइड होता है। पेंटोज सुगर इसका जनरल फॉर्मूला होता है C5H10O5। ठीक है, तो ये पेंटोज सुगर जो है एक मोनोसैकेराइड होता है, इट इज कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पेंटोज सुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेंटोज सुगर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का। सो इट इज नेम पेंटोज बिकॉज इज कंटेन 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन इसके स्ट्रक्चर में होता है, इसीलिए इसको जो है पेंटोज इसका नाम है। एंड पेंटोज सुगर इज नथिंग बट द मोनोसैकेराइड विद द 5 कार्बन एटम। ठीक है, तो वही जो हमने डिस्कस किया कि 5 कार्बन एटम के साथ एक प्रकार का मोनोसैकेराइड्स होता है पेंटोज सुगर। सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये अगेन जो है पेंटोज सुगर 2 प्रकार के होते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस दोनों सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बस जो है इसका डिफरेंस है, यहाँ पे ओएस ग्रुप जो है इसलिए ये राइबोस है, यहाँ पे एच है इसलिए ये डीऑक्सीराइबोस है। ठीक है, तो दोनों का सेम पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ डिफरेंट है, ये ओएच है, यहाँ पे एच ग्रुप जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड का नेक्स्ट कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड, सो इट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H3PO4। इट कंटेन
थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वन ऑक्सीजन एटम लिंक्ड विद अ फास्फोरस एटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्फोरिक एसिड का जनरल फॉर्मूला H3PO4। तो यहाँ पे P और 3 जो है क्या है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक जो है ऑक्सीजन एटम रहता है किससे फास्फोरस के साथ ये लिंक रहते हैं। तो ये फास्फोरिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस इज द कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, इसमें दो टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं एडिनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन्स के अंतर्गत आते हैं यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस पांच प्रकार के होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब यहाँ पे यही जो है, अब अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, उसमें एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये सब पाए जाते हैं। तो जो डीएनए है उसमें एडिनिन, गुआनिन मतलब ये प्यूरिन्स तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। एंड आरएनए में एडिनिन, गुआनिन पाए जाते हैं, लेकिन एंड उसमें जो है साइटोसिन के साथ यूरेसिल पाया जाता है, मतलब आरएनए में जो है ये थायमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में ये यूरेसिल नहीं पाया जाता है। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे बस इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड ये जो है ऑलमोस्ट पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, जिसमें ये पांच टाइप आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। अब इसके स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एडेनिन जो है इसमें दो ग्रुप, दो रिंग होगा बेसिकली एडेनिन में, और ग्वानिन में भी दो रिंग होगा, एंड पिरामिडिन्स की अगर हम बात करें तो थायमिन और साइटोसिन एंड यूरेसिल, इसमें एक एक जो है रिंग होगा जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये हमने न्यूक्लियोटाइड्स के तीन स्ट्रक्चर देख लिए, तीन कंपोनेंट्स देख लिए, तीनों है पेंटोस सुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस। अब ये तीनों मिलकर किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हम देख सकते हैं। ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है फिर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखें तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड, इस प्रकार से जुड़े होंगे। ये जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पेंटोस सुगर है, यहाँ पे जो है ये इस कार्बन के साथ जो है ये फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा और ये नाइट्रोजनस बेस जो है इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एडिनिन लिया है, ये नाइट्रोजनस सॉरी ये जो नाइट्रोजनस बेस है पांच प्रकार के हैं, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एडिनिन लिया है और ये फास्फेट ग्रुप है, ठीक है हमारा, ये पेंटोस सुगर डीऑक्सीराइबोस हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे एच ओ होगा तो ऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, तो यही न्यूक्लियोटाइड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पेंटोस सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट ग्रुप मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, आगे ये जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो आगे हम डीएनए आरएनए आगे कॉन्सेप्ट में हम डिटेल में समझेंगे, उसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पे हमने बस बेसिक हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दो टाइप के होते हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है जिससे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना होता है, जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, पेंटोस सुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड ये स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसमें हमने हर एक को इंडिविजुअल देखा और ये जो है तीनों मिलकर जो है इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये आगे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको बायोकेमिस्ट्री यूनिट का कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा एंड वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।